हाय एवरीवन, मैं आपको दोस्त साहिल स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज हमारे पास आए हैं ऑनर का एक मिड रेंज फोन, ऑनर X8A। इस साल ऑनर के दो फोन लॉन्च हो चुके हैं, X9A और X8A। एक्स सीरीज काफी बढ़िया मानी जाती है ऑनर की, क्योंकि एक मिड रेंज फोन होते हैं। और लास्ट ईयर इनका आया था ऑनर X7, X8, X9, जो काफी बढ़िया और मतलब ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से भी काफी बढ़िया थे। उसके बाद इनका फ्लैगशिप आया ऑनर मैजिक 4 प्रो, ऑनर 7D, जो काफी बढ़िया थे। हमारे चैनल पे काफी वीडियोस आई थी, कैमरा रिव्यूज भी आया था। और इस साल भी ऑनर काफी धमाका करने वाला है। 27 तारीख को ये बार्सिलोना MWC में मैजिक 5 प्रो एंड मैजिक VS, जो इनका पहला फोल्डेबल फोन ग्लोबली आ रहा है, वो लॉन्च हो रहे हैं और मेरे हिसाब से जल्द ही UAE मार्केट में भी आएगा। तो उसका हम बाद में हैंड्स ऑन करेंगे, मगर आज हम बात करते हैं इस फोन की। काफी बढ़िया फोन लगा, दुबई में लॉन्च हुआ है 899 dirhams में, और मुझे काफ़ी चीज़ें इस फोन में अच्छी लगी जो मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे क्या खास है। तो बॉक्स को देखते हैं तो इसमें तीन कलर्स मिलते हैं, ये ब्लू, सिल्वर एंड ब्लैक। ब्लू मुझे काफ़ी पसंद आया था जो मैंने फोटोज़ में देखा था, पर मुझे मिला है सिल्वर कलर, 8GB रैम, 128GB स्टोरेज के साथ। बॉक्स को खोल लेते हैं तो इसमें हमें मिलेगा सबसे पहले फ़ोन। इसको हम बाहर निकालते हैं तो आप देख सकते हो ये सिल्वर कलर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, मतलब देखने में काफ़ी अच्छा है। और इनका जो X8 था वो भी मुझे काफ़ी पसंद आया था, और ये भी देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। कैमरा लेआउट काफ़ी अच्छा है, प्लस काफ़ी लाइट वेट और हल्का फ़ोन है। थिकनेस इस फ़ोन की बात की है, सिर्फ 7.48 mm है, तो काफ़ी कम है, और वेट भी 180 ग्राम के बाद, तो रियली काफ़ी बढ़िया काम किया है। मतलब ऑनर के डिज़ाइन और काफ़ी कुछ मुझे काफ़ी बढ़िया लगता है। बाकी अगर बॉक्स का कंटेंट देखा जाए तो यहाँ पर बॉक्स में हमें मिलता है एक सिम इजेक्टर टूल, और एक हमें कवर मिलेगा। तो सिलिकॉन का कवर है, नॉर्मल सा, ठीक है, क्वालिटी थोड़ी अच्छी लग रही है देखने में, तो आपको यूज़ करना चाहिए। उसके बाद आता है इस फ़ोन में चार्जर, जो है आपको मिलेगा ऑनर सुपर चार्ज 22.5। इसमें मिलती है 4500 mAh की बैटरी, और कंपनी क्लेम करती है 50% 30 मिनट्स में चार्ज कर देगा। साथ में आपको टाइप सी टू USB A डाटा केबल भी मिलती है, नॉट बैड। और एक कोने में भी चीज़ दी गई है, इसको भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आपको वाह कन्वर्टर मिलता है, टाइप सी टू 3.5 mm ऑडियो जैक। काफ़ी फोन्स में कन्वर्टर्स देने बंद हो गए हैं कंपनीज, मगर ऑनर अभी भी दे रहा है। तो लुक्स की बात करते हैं, लुक्स काफ़ी अच्छी लग रही है। प्लास्टिक बैक है, और मतलब सिल्वर शेड मुझे काफ़ी अच्छा लगा। 3 रेयर कैमराज है, बम्प भी ज़्यादा बढ़िया नहीं है। 100 MP का अल्ट्रा कैमरा जो हम आगे टेस्ट करेंगे, तो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। ऑनर की ब्रांडिंग मिलती है, तो कलर चेंजिंग सिल्वर कलर काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा पावर ऑन के साथ, वॉल्यूम की प्लास्टिक का फ्रेम मिलता है। टॉप पे आपको नॉइस कैंसिलेशन और आई आर ब्लास्टर जिन फोन में मिलता है मुझे काफ़ी बढ़िया लगता है, ऑनर हर फोन में देता है। सिम ट्रे यहाँ पर मिलेगी, तो सिम ट्रे में ही हम देख लेते हैं। सिम ट्रे की बात की जाए तो इसमें आपको 2 नैनो सिम कार्ड का सपोर्ट मिलेगा, माइक्रो एसडी कार्ड का सपोर्ट नहीं मिलता। और बॉटम की बात की जाए तो माइक, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट और स्पीकर मिलते हैं। तो डिस्प्ले की बात की जाए, मुझे इसकी डिस्प्ले काफ़ी अच्छी लगी। आप देख सकते हैं ब्रिजल्स कितने कम हैं, और सिंगल पंच होल भी काफ़ी छोटा है। मतलब आप एच डी डिटेक्शन देख सकते हैं, मतलब इन्होंने नाम भी दिया एजलेस डिस्प्ले। 6.7 इंच की डिस्प्ले, तो मतलब एक हैंडी फोन, बड़ी डिस्प्ले आप कह सकते हो। चिन भी मुझे ठीक लगा इस प्राइस रेंज के हिसाब से। IPS LCD स्क्रीन मिलती है विद 90Hz रिफ्रेश रेट, तो मतलब काफ़ी स्मूथ आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा। और ब्रिजल्स रियली काफ़ी अच्छा काम किया, मतलब ये मेरे को X9A की भी डिस्प्ले काफ़ी अच्छी लगी थी, कर्व डिस्प्ले थी और ब्रिजल्स बहुत कम थे। इसमें भी ऑनर ने यही काम किया, तो डिस्प्ले के मामले में कहूँगा काफ़ी बढ़िया काम है। लॉटवेयर आपको बहुत ही कम मिलते हैं, जैसे आप देख सकते हो सिर्फ फेसबुक, नेटफ्लिक्स, टिकटॉक मिला है, जो आप ईजिली अनइंस्टॉल कर सकते हो। और अगर हम अबाउट फ़ोन के बारे में चलते हैं तो इसमें आपको मिलेगा मैजिक UI 6, नॉट बैड। एंड्रॉयड 12 मिलता है, तो कंपनी ने मैंने बात की थी तो उन्होंने कहा जल्दी अपडेट मिल जाएगा, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड। और मीडिया टेक का हीलियो G88 वाला चिपसेट मिलता है। स्क्रीन रेजोल्यूशन है 1080x2388, नॉट बैड फुल HD, प्लस आपको डिस्प्ले भी मिल जाती है। और रिफ्रेश रेट की बात की जाए तो इसमें आपको 60Hz एंड 90Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है, तो 90Hz नॉट बैड इस प्राइस रेंज के हिसाब से, दुबई मार्केट के हिसाब से मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। अगर मैंने एंट्री टू ट्राई किया तो हीलियो G88 एक मिड रेंज प्रोसेसर है, तो स्कोर इसका 2 लाख के पास आता है, 2,20,000, 2,15,000, तो नॉट बैड, ठीक लगा। साथ में मैंने पबजी ट्राई किया तो पबजी खेलने में काफ़ी मज़ा आया, तो डिस्प्ले काफ़ी अच्छी है। साथ में आपको स्मूथ प्लस अल्ट्रा की ऑप्शन आपको मिल जाती है, मतलब 40 FPS मिलेगा, और थोड़ा थोड़ा लैग मिला मुझे खेलते हुए, मगर नॉट बैड। एक गेम प्ले भी छोटा सा दिखा देता हूँ मैं आपको, कैसी परफॉर्मेंस दी। Nice shot.
साथ में इस फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है जो काफी ज्यादा क्विक लगा। आप देख सकते हैं कितनी जल्दी ये खोल रहा है, तो मुझे काफी बढ़िया लगा। फेस अनलॉक भी मिलता है जो भी काफी ज्यादा तेज लगा, तो नॉट बैड। और स्पीकर की बात की जाए तो आवाज सुन लेते हैं, देखते हैं इसकी आवाज कैसी आती है। तो कुछ लगाते हैं म्यूजिक, तो स्पीकर की क्वालिटी भी अच्छी है। अगर डुअल स्पीकर देते तो काफ़ी अच्छा रहता, मगर कॉस्ट कटिंग में आपको थोड़े इसमें स्टीरियो स्पीकर नहीं मिलते। बात करते हैं इस फोन के कैमरे की, जो एक मेन हाईलाइट है इस फीचर का, इसमें मिलता है एक न्यू सेंसर 100 मेगापिक्सल का, जिसमें इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, मतलब क्लैरिटी काफ़ी अच्छी, सेचुरेशन मुझे काफ़ी कम लगी। ऑनर से कैमरे रियली काफ़ी अच्छे होते हैं। साथ में 5 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड मिलता है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस मिलता है। कुछ मैंने शॉट्स खींचे थे, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। और साथ में फ्रंट कैमरा है वो आपको मिलेगा 16 मेगापिक्सल का। तो कैमरा नॉट अ बैड थिंग, मुझे ठीक लगा इस प्राइस रेंज के हिसाब से। अगर आप चाहते हो कंपैरिजन जो इस प्राइस रेंज में आता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, हम कंपैरिजन भी करेंगे। बाकी आपको ये पिक्चर्स कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ में एक बहुत ही हैंडी फ़ोन है, ईजी टू कैरी, और जो इसका बैग है वो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, मुझे ज़्यादा फिंगरप्रिंट्स नहीं लगते। तो ये आजकल बहुत फोन्स में प्रॉब्लम्स आ रही है, फिंगरप्रिंट्स के निशान बहुत ईजिली लग जाते हैं, तो ये चीज़ मुझे इसकी काफ़ी बढ़िया लगी। लुक्स काफ़ी अच्छी है। साथ में अगर आप ये बाय करते हो, अभी ऑर्डर करते हो, तो आपको 1 साल की एक्सटेंडेड वारंटी मिलती है, साथ में एक ऑनर के TWS भी फ्री मिलेंगे, तो नॉट बैड। बाकी काफ़ी बंडल ऑफर्स भी हैं, इनकी वॉच है, इनके अच्छे TWS भी मिलते हैं, मगर वो बंडल ऑफर में आते हैं, उसमें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। मगर अगर आप नहीं एक्स्ट्रा पे करना चाहते, सिर्फ 899 पे करना चाहते हो, तो आपको एक TWS प्लस 1 साल की एक्सटेंडेड वारंटी मिलेगी। और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, अगर आप बाय करना चाहते हो तो ईजिली बाय कर सकते हो। बाकी आपको ये फ़ोन कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कोई रिव्यू या कंपेरिजन चाहते हो इस फ़ोन का फ्यूचर में तो भी आप लिख सकते हो। और वीडियो बढ़िया लगी तो एक लाइक ज़रूर करना, न्यू चैनल पर तो सब्सक्राइब करना। आज की वीडियो में बस इतना है।